नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेम इनोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी मंत्रा को सफाई पेश करते हुए देखा है? देख लिया होगा कभी ना कभी, आई नो जल्दी ही देखा होगा रिसेंटली। आप सभी लोग जानते हैं कि जिज्जी लोग मेरे यहाँ से कंटेंट को ऐसे ही कॉपी कर लेती हैं बिना कोई क्रेडिट दिए। क्रेडिट भी देती हैं तो नेगेटिव लाइट में देती हैं, कभी पॉजिटिवली नहीं देती कि हाँ हमको उसकी बात अच्छी लगी थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉपी का माल ना देखें, ओरिजिनल कॉन्टेंट मिलेगा प्रेम इनोलॉजी चैनल पर। अगर आपको ओरिजिनल सामान चाहिए तो प्रेम इनोलॉजी से खरीदे, कोई ब्रांचेज नहीं है। हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए मैंने कल वीडियो डाली कि आपस में प्यार से रहें, पति पत्नी, अपने कंटेंटों का सोचें, उसके भलाई का सोचें, ब्रेक ले लें यूट्यूब पर, झगड़े करने तो यूट्यूब के बाहर जाके कर लें। ये सब मैंने सिखाया। तो एक कॉपी कैट सबसे बड़ी जिज्जी जो इन सब मैटर की सबसे बड़ी जड़ है, वो आके बोल रही है कि हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। चैनल वाले की वजह से इनका घर टूट रहा था। चैनल वाला पूछता है इनको किसने बोला था कि बहन की शादी की जो खुशखबरी होती है उसको इस तरह से दबा दो जैसे पता नहीं कौन सा काम हो रहा हो। क्यों? क्योंकि पहले से ही गैसा कांड का कंटेंट अच्छा खासा मिल रहा था। तो प्लान इनका ये था कि हम उसको जब ये वाला कांड इसको निपटेगा तो उसके बाद हम लाएंगे शादी की सरप्राइज। याद होगा ना, बोला था कि आपके लिए सरप्राइज आएंगे अगस्त या सितंबर में आएंगे। कौन से चैनल वाले ने ये बोला था कि अपनी छोटी बहन को खाली हाथ हिलाते हुए विदा कर दो, उसको चप्पल और टूथब्रश जैसी चीजें भी मत दो। कौन से चैनल वाले ने कहा था कि आपने नए जमाए की बेइज्जती ऑन कैमरा ब्लॉग्स में करो, डालो बीच बीच में, खूब डालो, मजे से हंसी उड़ाओ। कौन से चैनल वाले ने बोला था कि अपनी छुटकी बहन को बार 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 ससुराल में रहने की सलाह देने के बजाय उसको वहां से घसीट घसीट के अपने घर में बुलवा के अपने घर के काम खत्म करवाओ। उल्टा जब लोगों ने बोला कि ये उसके लिए अभी अच्छा नहीं है इस तरह की चीजें करने के लिए, तो ये बोला गया कि ये हमसे जलते हैं। कौन से चैनल वाले ने बोला था कि कंटेंटों को कंटेंट बना दो, कस के बना दो, अच्छी तरह से बना दो? कौन से ने बोला था, किस, कौन बोलता है ऐसा? कौन से चैनल वाले ने बोला था कि बिना घर देखे जहाँ पे आपकी छोटी बहन जाने वाली है, बिना घर देखे उसको उस घर में भेज दो, विदा कर दो बिना घर देखे? कौन से चैनल वाले ने बोला था भाई कि अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी जमाई को किच्चड़ किच्चड़ बुला दो? ये कौन से चैनल वाला बोलता है कि अपनी जमाई और उसके घर वालों को लेके सारे के सारे जो कॉमेंट्स होते हैं, घटिया कॉमेंट्स जिनको बोलते हैं, जो ऐसा होता है कि जैसे अंदर की कुछ गंध निकालनी होती है तो कुछ आईडीज बना के कुछ कमेंट्स कर दो कि ऐसा चल रहा है अंदर, वैसा चल रहा है, उसको फिर हर्ट दो या फिर पिन करो? कौन सा चैनल वाला ऐसा सलाह दे रहा है भाई? कौन सा चैनल वाला बोलता है कि अपने प्यारे जिजा को जब चाहो आप काले राज में खोल दूंगी? कौन सा चैनल ने सलाह दिया था कि काले राज खोलने की धमकी दो? कौन से चैनल ने सलाह दी थी कि अपनी छोटी बहन को नीचा दिखाओ क्योंकि वो ब्रांडेड कपड़े और कार में घूमने लगी है? कौन देता है ऐसी सलाहें इनको? आपने नोटिस करा होगा कि जब भी ये वहां पे पहुंचती हैं तभी ये कांड होते हैं। छोटी वाले को तभी अपने जुल्म सितम याद आते हैं, नहीं तो छोटी वाली अपने पिया संग हंसती गाती नाचती हुई दिख रही होती है। ये जब आती है तब उनको भी जुल्म सितम याद आते हैं, उससे पहले कुछ नहीं। और कौन से चैनल वाले ने ये बोला था कि ऐसे लाइव डलवा दो अपनी बहन से करवा के? अभी ये प्योर माल बन के आई है कि ये चाहती है कि पैचअप हो जाए, तो इन्होंने अभी तक ये लाइव क्यों नहीं हटवाए हैं, डाउन क्यों नहीं करवाए हैं जो इस तरह के लाइव हैं, इतने घटिया लाइव हैं? अच्छा, अब वो बोलेंगे कि उसने भी डाला था, पति ने भी डाला था, तो पति ने तो बहुत ही डिसेंट सभ्य लैंग्वेज में डाला हुआ है, जो लाइव है उनकी लैंग्वेज कितनी असभ्य है ये सब ने देख लिया, वो क्यों उन्हें डाउन हो रहे हैं? अभी तक भी डाउन नहीं हुए हैं, जब लाइव चल रहे थे तब भी किसी ने फोन करके नहीं रोका कि रहन दे इससे, तेरा घर खराब हो सकता है। कौन से चैनल वाले ने सलाह दी थी ऐसी? ऐसे ही लोग होते हैं दोस्तों जो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, अपने काम कभी नहीं देखते हैं, और जब कोई दूसरा पॉइंट आउट कर देता है तो ये लोग उसी को ब्लेम कर देते हैं कि ओ इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया है। अपने ऊपर वर्क नहीं करना है, बस ये बोलते हैं कि हमें बताना बंद कर दो कि हमने ऐसा किया है। और हाँ, कौन से चैनल वाले ने इनको ये बोला था, मामू जी को बोला था कि अपनी जान को आप काली दे दो? काली भी कौन सी, जो वो कंज करके बहुत सारे लोगों ने सुनी हुई है, बहुत ही उसका गंदा मीनिंग होता है, वो वाली गाली अपने प्यारी जान को दे दी थी ऑन कैमरा, वो रिकॉर्ड हुई थी, व्लॉग में रिकॉर्ड हुई थी अचानक से, क्योंकि माता जी पत्नी जिनकी झगड़े हो रहे हैं पति से, वो ऐसे घूमती हुई आई थी और उसमें वो रिकॉर्ड हो गई थी। कौन से चैनल वाले ने बोला था कि ये हट जाना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है?
उसका किसी ने बताया कि वो हटवाया, किसी ने कैसे हटा वो नहीं बताया, पर चैनल वालों ने बोल दिया, क्योंकि चैनल वालों ने ये बोला कि वो गाली दे रहा है। और वैसे गाली से मुझे याद आया, उस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि सासू इतनी बुरी, सासू गाली देती है, मैं तो मानती हूँ बहुत ही बुरी है, उसके पास नहीं जाना है, लेकिन फिर यहाँ पे भी तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतनी खराब गाली तो और भी बुरी है, जो गाली दी गई थी वो और भी बुरी है, तो वहां पे रह सकते हैं, वहां पे नहीं रह सकते हैं, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी, ये जो प्योर माइंड और प्योर सोल बन के घूम रहे हैं, ये कौन, कैसे ये कर पाते हैं। ये जो हुआ था ये ऑन कैमरा हुआ था, इसके बहुत सारे लोग गवाह हैं जो इन्होंने किया था, और वो जो वहां पे हुआ था ससुराल में, जो सासू जी ने करा था, वो तो किसी ने देखा भी नहीं है, पता भी नहीं है, बस बोला है कि ऐसा बोल रहे थे, चलिए मान रहे हैं बोल रहे थे, लेकिन ये भी तो हुआ था। चैनल वाले अपने चैनल्स पे वीडियो डाल डाल के जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी एक अलग बात है, क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है, वो घर जाके नहीं समझा सकते, वो फोन करके नहीं समझा सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ये लोग, ये जो जिज्जी हैं, आपने कभी सोचा है इनको कैमरे पे आके ब्लॉग बना के एडिट करके एड लगा के समझाने की क्या जरूरत पड़ गई? अपने खुद की बहन जिज्जा को समझाने के लिए कोई ब्लॉग बनाता है? वैसे इनकी कॉल जो है बहन से चलती रहती है, ये खुद बताते हैं 5 से 6 बार हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन जब समझाने की बात आई, घर जोड़ने की बात आई, तो इन्होंने ब्लॉग बना के डाल दिया। हुआ ऐसा है कि इनको कोई भाव नहीं दे रहा है आजकल, किसी भी तरह से भाव नहीं दे रहा है। कल भी इन्होंने ट्राई करा थोड़ा वो करने का, तो लेकिन हमने बता दिया कि अब की बार खाद मौला नहीं चलेगी, तो इन्होंने सोचा कि अब मैं अच्छी बन जाती हूँ। ऊपर से इनके जिज्जा जी एकदम रूस के बैठ गए हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी लिमिट्स पार कर दी हैं, एकदम धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। तो जिज्जा जी पहले ही कल बोल चुके थे कि अगर मैं अभी संयम में हूँ, अगर मेरा संयम टूट गया तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा, तो उससे भी जिज्जी को थोड़ा डर लग गया है, तो उन्होंने सोचा कि हम इनकी बॉन्डिंग बनवाएंगे आपस। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा, पहली बार तुमने कुछ सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है, तो लेकिन इसको वीडियो बना के नहीं, फ्लाइट पकड़ो, जैसे फटाक से भागते हो, इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है, आना पड़ जाता है, जल्दी से अपना वो करवाओ, एक जितनी जल्दी हो सके टेस्ट वेस्ट कराओ, फ्लाइट पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, जाओ, गाड़ी निकालो, टेस्ट नहीं हो रहा, गाड़ी निकालो, जाओ और समझाओ अपनी छोटी बहन को, एकदम धूमधाम से गाजे बाजे के साथ उसकी विदाई करो, छोड़ के आओ उसको उसके घर तक। घर तक नहीं जा सकते अभी भी, बातें नहीं है आपस में, ठीक है, आधी पुलिया तक छोड़ के आओ, उसका भी लोग बनाओ। ये कौन सा तरीका हुआ कि कैमरा लगा के कॉपी करके सब साथ सही 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 बोल दिया? और ये जो चीज़ बोली गई है कि जो झगड़े होते हैं वो चैनल्स, दूसरे चैनल्स की वजह से होते हैं, तो मुझे एक चीज और क्लियर कर देना, कौन सा चैनल वाला ऐसा है कि इनको अपनी वीडियोस के मेल करता है लिंक कि हमारा वीडियो आके देख लो? ऐसी कौन सी जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती तुम लोगों को चिट्ठियां लिखता है कि भाई हमारा देखो, ये देखना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डू नॉट रिकमेंड में डालो, नॉट इंटरेस्टेड में डालो, आराम से अपनी छुट्टी पाओ, अकल तो बहुत ज्यादा है तो अपनी लगाओ। अब अभी का देख लीजिए, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं 11-12 मंथ पहले की बातों पर, उससे भी पहले की बातों पर इनके झगड़े अभी हो रहे हैं, वो खोल खोल के ये लेके आ रहे हैं, मतलब सारे तो नहीं लेके आ रहे, पत्नी और उसकी बड़ी बहन 12-13 महीने पहले की बातें लेके आ रहे हैं कि तब ऐसा होता था, तब ऐसा होता था। अभी क्या हुआ था, मतलब उसके बाद तो सब सही कर लिया था ना लोगों ने, वो अपना नई शुरुआत कर ली, तो फिर अभी क्या हुआ था, अभी ऐसा क्या हुआ था कि भाई ये गई और फिर से उनको 12-11 मंथ पहले की बात याद आ गई? ट्रिगर पॉइंट्स वही है ना, चैनल खुल रहा है, चैनल खुल रहा है, चैनल खुल रहा है, चैनल जिसका खोलना है खोलो, क्योंकि अब इनके जीजा जी बोल चुके हैं कि चैनल तो खुल के ही रहेगा, अब इनके बात इनके हाथ से बात निकल चुकी है, इसलिए अब ये बोले खोलना है तो खोलो, जाना है तो जाओ। और मैं अभी भी यही बोलूंगी एजेंट जिज्जा जी को, सच में अगर सच में शांति चाहिए तो कंटेंट को प्राइवेट लाइफ दे दो, देखना अपने आप सारे कष्ट परेशानियां सारी खत्म हो जाए। हाँ, पति पत्नी माता पिता के चैनल पर एक डेली लाइफ के हिस्से की तरह वो दिख सकता है, उसका कंटेंट बनाना बंद कर दो, और किसी के चैनल पर आना मुझे नहीं लगता ये ठीक है, हेल्दी है, और उसी के चक्कर में इतनी खींचतान मच चुकी है, और वही एक रीजन है सबसे बड़ा, क्योंकि तभी से शुरुआत हुई थी कि कौन उसको सबसे ज्यादा भुनाएगा अपने चैनल पर। और अभी भी यही पॉइंट रह जाता है, अगर पुतन को सच में चेक करना है तो वो सच में ब्रेक ले ले, जैसे कि बड़ी जीजी ने इसे भी परमिशन मिल गई है कि ब्रेक ले लो, सब लोग ब्रेक ले लो, तो लेना चाहिए ब्रेक, में तो कहती हूँ, और कंटेंट को कहीं पे भी अपियरेंस नहीं दिलवाए, तो अपने आप ही जीजी अपने आप ही
अपनी छोटी बहिनिया को छोड़ के आएंगी ससुराल। चैनल्स की वजह से लड़ाई होती है, चैनल देखने बंद कर दो। कमेंट्स की वजह से लड़ाई होती है, कमेंट्स को डिसेबल कर दो। ये सब इतनी सिंपल सी बातें होती हैं जो ये लोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनके घर के अंदर है। अगर कोई जो ये कहते हैं कि चैनल ये दिखा रहे हैं तो लड़ाई होगी, चैनल ने वो कर दिया तो लड़ाई होगी, अगर इतने टेंशन के बाद भी ये लोग चैनल खोल खोल के किसी के देख रहे हैं, किसी के देख रहे हैं, तो जरूर चैनल में कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती होंगी जो मन को लग जाती होंगी कि हाँ ऐसा है, हाँ वैसा तो किया था। तो इसका दोष चैनल को नहीं, खुद अपने आप को दो कि ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने। अगर चैनल वाले पूछ लेते हैं कि बड़ी जिज्जी के आने से ही छोटी को अपने जुल्म सितम याद आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है, तो उसमें चैनल वाले की गलती नहीं है, इसमें है तुम्हारी गलती। मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं, इनके घर में सभी मतलब खाली है, अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं, जो कहीं देख लेते हैं उसी हिसाब से अपना लाइफ ये जीने लग जाते हैं, उसी हिसाब से ये बातें करने लग जाते हैं। इनके अपना एक्सपीरियंसेस इनके कुछ नहीं होते हैं, सब चैनल वाले, सब सब जो जितना होता है चैनल वाले। लेकिन मेरी आखिरी कोशिश है इनके रिश्ता बचाने की, ये टाइटल जरूर मैं डाल दूंगी। इसमें चैनल वालों का कोई हाथ नहीं है दूसरों का, इसमें खाली मेरा हाथ है। वाह। और हाँ सच में बोल रही हूँ, अगर कंटेंटों का कंटेंट बनाना बंद हो जाए, अगर ये पहले से डिसाइड हो जाए कि अब कंटेंटों का कंटेंट नहीं बनेगा, तो सच में इन लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया, अगर अभी ऐसा सोचा कि चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो फिर ये फिर से रिपीट हो जाएगा। अभी होली आनी है ना, फिर से जून जुलाई आना है, ये सब फिर से चलने लगे। तो अच्छा है अभी ही समझदारी से काम किए जाए, सब बिहाइंड द कैमरा किया जाए, लेकिन सोच समझ के किया जाए कि दिखाना क्या है आगे लाइफ में। तो अच्छा यही है कि अभी से थोड़े रूल्स बना लिए जाएं अपनी लाइफ में, ताकि किसी और को ब्लेम करने की जरूरत ना पड़े। और इनकी जो इंटेंशंस हैं वो कितनी साफ नजर आ रही हैं। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, हाँ मैंने तो हमेशा अच्छा किया है, पहले मैंने बहुत अच्छा किया था, अब मैं ईगो में आ गई हूँ। इनसे पूछे, चलिए चैनल वाले जो दूसरे चैनल वाले हैं वो सारे के सारे पराए लोग हैं, अपने तो है नहीं, लेकिन ये तो खुद की अपनी है, ये काहे रोस्ट करती रहती थी ये रील्स और चील्स और टाइटल्स में, करती है ना, मेरा काम तो हो गया है, कंटेंट तो अब मेरे साथ जाएगा। इस तरह की जो टाइटल है ये पिंच करने के लिए सामने वाले को क्यों डाले करती थी, अगर ये इतनी ही अच्छी और सच्चे दिल की मालकिन थी। बात यही है कि बहते गंगा में हाथ धोने हैं तो धो लिए, नहीं तो अभी भी जाएंगी और उसको इज्जत के साथ छोड़ के आएंगी।